गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज जो है जो 28 जो कल पेपर हुआ था उसका सारा जो है किस टाइप का पेपर आया है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा फिरा के, नो डाउट पेपर इजी था। जिन लोगों ने थोड़ा अच्छे से जो है स्टडी किया होगा उनका बहुत अच्छा पेपर गया होगा। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जो क्वेश्चन आए हैं आप देखिए, ये जो मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं को उठा करके सारे क्वेश्चन दिया है। बस क्या है कि ऑप्शन चेंज हो गए, बस ए के बदले सी में डाल दिया, सी को बी में डाल दिया, ऐसे कर दिया, सिर्फ ऑप्शन चेंज हुए हैं, बाकी आंसर वही सेम है। सारे क्वेश्चन वही प्रीवियस ईयर से उठा के दिए जा रहे हैं। अगर ईवीएस का आपने जो मैंने कराया था पेपर वो किया होगा तो उसमें से कम 10 नंबर के क्वेश्चन उसी ईवीएस वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने कराए थे, पिछले साल आए थे जो 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, वही क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए जो है कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने बताए हैं उसको जो है देखते हुए जो पेपर रेडी किया है मैंने पूरा, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। और आप देखिए आपने कितना जो है कितने अच्छे से उसका आंसर आप दे सकते हैं, आपको आता था पहले, ठीक है। और कुछ अलग से भी आपको समझा देंगे ताकि अगर नेक्स्ट जो है शिफ्ट में कुछ अलग तरीके से घुमा फिरा के इन्हीं को पूछा जाए ताकि आप वहां पर ये आंसर गलत ना करें, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आया था जो है 28 को, निम्न में से कौन सा स्तर वैन हेले से संबंधित नहीं है, तो एक चीज बता दें कि इनका देखिए जो ये है दृश्यीकरण है, विश्लेषण है, स्वयं सिद्ध है, ये सारे जो है क्या कहते हैं वैन हेले से संबंधित जो है हैं, बाकी जो मूर्त संचालन है वो वैन हेले से संबंधित नहीं है, ठीक है। और आगे चलिए बता देते हैं आपको, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कुछ और पूछ लिया जाए। तो वैन हेले जो थे इनकी ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत इन्होंने दिया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके जो है जो चार लेवल थे 0, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसमें क्या था कि पहला मानसिक चिंतन या दृश्यीकरण था, पहचानना और नाम को बताना, ठीक है। दूसरा था इनका विश्लेषण, आकृति की विशेषता बताना, और उसके बाद तीसरा था अनौपचारिक निगमन यानी विशेषताओं से संबंध समझना, तीसरा था इनका चौथा था सॉरी औपचारिक निगमन यानी सत्यापन करने लगता है, ठीक है। तो ये जो चीजें अगर आपने ये चीज समझ लिया ना तो वहां पे अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है या एग्जांपल के थ्रू पूछता है तो आप जो है ये जो वैन हेले का ज्यामिति चिंतन का सिद्धांत है यहां का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो लेवल 4 था वो था दृढ़ता स्वयं सिद्ध यानी ज्यामिति प्रणाली पर काम करने लगता है, ठीक है। तो ये जो इनका पूरा सिद्धांत था पूरा पांचों तरीका से, ये पूरा आप अच्छे से एक बार देख कर जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक कीट नहीं है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे चींटी के बारे में पूछा जाए। चींटी कैसी होती है आप देखो, कहीं अगर वो जाती है ना तो एक जो है पंक्ति में जाती है, किसी का भोजन इकट्ठे करने का काम होता है, किसी का जो है वैसे ठीक मधुमक्खी का भी होता है, ठीक है, वैसे ठीक दीमक का भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मकड़ी होती है आप ध्यान दीजिएगा, मकड़ी हो गया, झिंगुर हो गया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में झिंगुर डाल देता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं तो ये सामाजिक कीट में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी दीमक हो गया, चींटी हो गया, मधुमक्खी, सब सामाजिक कीट में आते हैं। स्लॉथ के बारे में, कुछ स्लॉथ लिखा है सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, स्लॉथ के बारे में आया था क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको ईवीएस वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था पिछले बार, ये जो है बहुत बार पूछा गया था और इस बार भी स्टार्टिंग भी इन्हीं क्वेश्चन के साथ जो है एग्जाम में आ रहे हैं। आप देखो जैसे स्लॉथ के बारे में विशेषता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए सबसे ज्यादा आलसी जो होता है वो यही होता है, इसको सबसे ज्यादा क्या होता है जैसे भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता, ठीक है, भालू से छोटा होता है। जीवन काल इसका 40 वर्ष तक रहता है, पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर रहता है, एक बार सप्ताह में पेड़ के नीचे उतरता है और मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए सोता है, ठीक है। तो जो स्लॉथ होता है इसके बारे में एक चीज बता दें कि अगर सबसे ज्यादा आलसी कौन होता है, अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको जो है आलसी जानवर में स्लॉथ ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 से 2 प्रश्न आए थे या 2020 से 2
प्रश्न आए थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है मैंने पढ़ाई है, अगर आप जाके देखेंगे ना तो उसमें आपको पूरा कुछ पता लग जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कौन सा क्वेश्चन आया था। नहीं पता चला लेकिन इसके चार पांच ही क्वेश्चन है अगर आप उसे देख कर जाते हैं तो नो डाउट आज जो पेपर में देखने को मिला है वो जो है एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, चार पांच क्वेश्चन आए थे जिसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो इसको एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीन पियाजे से था, जीन पियाजे की चार अवस्थाएं हैं। इस बार जो अवस्था पूछी गई थी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछी गई थी, हो सकता है इसके बाद पूर्व पूछ लिया जाए संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गर्भक का टाइम पीरियड क्या होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार चार अवस्थाएं थी, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले संवेदी गर्भक जो 0 से 2 वर्ष थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है, और उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, कहीं कहीं 12 लिखा होता है, अमूर्त संक्रियात्मक वर्ष 11 से या फिर उससे अधिक होता है, ठीक है। और जीन पियाजे की जो है ये जो अवस्था है ये इन्हीं में से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, या हो सकता है पूछ लिए जाए पूछ ले ले कि खिलौने जो है किस समय बच्चा समझने लगता है, कौन सी अवस्था में समझने लगता है। तो इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा एक बार, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनके क्वेश्चन हमेशा जो है यहाँ पूछे जा रहे हैं वो आप देखिए, आज भी जो पूछे गए वो पियाजे का था, वो पियाजे का स्कीमा के बारे में, हो सकता है कल ये क्वेश्चन उठा के दे दे 29 को, या फिर किसी शिफ्ट में आप देखना स्कीमा का क्वेश्चन वो जरूर पूछेंगे। और यहाँ पे जो है एक कोहलबर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, वादस्की हो गए, ये सारे तो मतलब आने ही आने हैं, इनका पूरा विस्तार से आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वही नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन किस तरीके से था, नैतिक विकास का कुछ बताया था नैतिकता के बारे में, उसमें पूछा गया था कि इसके सिद्धांत किसने दिया था, तो जाहिर सी बात है अगर ये वर्ड आया है तो कोहलबर्ग ही थे, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने ही दिया था। भाषा सीखने का सिद्धांत किसने दिया, चौमस्की ने दिया है, और हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाए वो भाषा का कुछ बता करके कि इसके सिद्धांत किसने दिया ऐसा पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ईजी ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाषा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, चौमस्की ने दिया था, ठीक है। उसके बाद रेगिस्तान ओक जो कि मैंने ईवीएस क्वेश्चन में कराया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, रेगिस्तानी जो ओक होता है ये एक तरीके का पता है क्या होता है, पौधा होता है, और कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसमें जो है इसकी जो जड़ें होती है वो तब तक नीचे लंबी होती चली जाती है जब तक कि उसे पानी नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तानी जो ओक होता है ये एक बिच है, इधर उधर मत कंफ्यूज होइएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक जो है चौमस्की हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा था जीपीडी का सिद्धांत किसने दिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो जो जीपीडी का सिद्धांत दिया था वो दिया था वाइगोत्स्की ने, और इसका फुल जो है जेड से होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस, ये जेपीडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है था हमारा कौन सा भारतीय बर्ड यानी पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देता है, तो रोबिन पक्षी होता है वो, ठीक है। उसके बाद नेफेथिन्स जो है के बारे में पूछा गया था, तो नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो कि मैंने आपको देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ये सारे और जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना ईवीएस के, आप देखो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर वाले वीडियो जरूर देखिएगा आप मेरे, मैंने डाला है, आपको वहां ठीक लगे तो वहां देख लीजिए, या किसी और ने डाला हो जहां आपको समझ में आता आप वहां देख लीजिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप देखिए प्रीवियस ईयर के ही उठा के दे रहे हैं, थोड़े अलग तरीके से घुमा के दे रहे हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आंसर आपको ए या फिर सी या फिर डी देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि अगर इंडिया में कहीं पे ये पाया जाता है तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो नेफेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेढकों कीड़ों और यहां तक कि चूहों को भी फंसा कर खाता है, और हमारे देश में पौधा कहां पाया जाता है, और मेघालय में पाया जाता है, और जो है घटपर्णी भी बोलते हैं इसको जो है, और एक चीज और बता दे कि ये जो है कुछ ऐसे घड़े नुमा जैसा होता है, और उसके बाद जैसे ही ये अपना शिकार देखता है और उसको खींच लेता है, और उसके बाद इस और ये एक चीज बता दे, ये मांसाहारी पौधा होता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि मांसाहारी पौधा कौन सा है होता है या फिर, तो और इंडिया में जो पाया जाता है, तो ये नेफेथिन्स भी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती हैं? तो जाहिर सी बात है उल्लू ही ऐसा जो है पक्षी है जो कि इंसान जो है इंसानों की तरह इसकी आंखें होती हैं देखने में बिल्कुल, और ये रात में देखता है, ठीक है। उसके बाद खेजड़ी बिच्छ किस राज्य का प्रमुख जो है अंग है, तो यह कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान का जो है खेजड़ी बिच्छ जो है प्रमुख अंग है और ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। बालकों को शिक्षण होगा यहाँ पे, बालकों को शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? तो सबको पता होना चाहिए कि जो निगेटिव सारे यहाँ पे देखिए रटने से युक्त, बच्चे को कभी रटा सकते हैं आप क्या? नहीं रटा सकते हैं। तनाव और बोझ से युक्त होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बालकों को शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होने चाहिए? जो है रटंत प्रद्य से मुक्त, कि बच्चों को रटाया नहीं जाना, ठीक है। बच्चे खुद से पढ़े, खेल खेल में सीखें, ये सब चीजें थी एनसीएफ में। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो क्वेश्चन था, ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो किससे जोड़ना चाहिए? बाहरी स्कूल जीवन से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एनसीएफ से 4-5 क्वेश्चन उठाया था, वो सारे 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए हैं, लेकिन एनसीएफ अच्छे से पढ़ के जाइएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहां से 4-5 नंबर आपके सही होंगे और आपको सही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए बाहरी स्कूल जीवन से, ठीक है, ना कि क्लास से, परिवार से या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और जो लर्न इसमें एनसीएफ के सबसे मेन पॉइंट क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, कि बच्चे को किसी प्रकार का बर्डन नहीं करना है, किसी प्रकार का बोझ नहीं डालना है, बच्चे जो है खुद से जो सेल्फ स्टडी करें, यानी खेल खेल में चीजें उनको सिखाई जाएं, बच्चे को किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? तो झारखंड, ठीक है, तोरंग, और यहीं से जो है कुडुक भाषा कहाँ जो है बोली जाती है? तो झारखंड में बोली जाती है। और जो है ये सारे जो क्वेश्चन है पिछली बार आए, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए कि कुडुक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? झारखंड। और वही जो तोरंग है ना, ये एक प्रकार का जंगल है जो कि झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ऑप्शन मैना लगाया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या था कोई ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा है, अगर ये आता कि कौन सा पक्षी 360 डिग्री सेंटीग्रेड से अपने जो है 360 डिग्री से अपने जो है सिर को घुमा देता है, तो वहां पे ऑप्शन होगा उल्लू, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को घुमा देता है, तो वहां पे मैना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रजाति झटके से जो है अपनी गर्दन जो है पक्षी घुमा लेता है, तो मैंने मैना लगाया है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उठा के देता है कि कौन सा पक्षी पूरी गर्दन को घुमा देता है, तो वहां पे ऑप्शन आपको उल्लू लगाना है, ठीक है। अगर झटके से बात करता है गर्दन को घुमाने की, तो मैना, पूरा घुमा देता है तो उल्लू, अगर 360 डिग्री घुमा देता है मतलब पूरे तरीके से, तो भी उल्लू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो इसका जो है, इसके जो चोमस्की है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। और एलईडी जो है इसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा कि एलईडी का फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भाषा पाठ्य पुस्तक भाषा में एक साधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आप पढ़ तो भाषा को तभी समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे अगर आपके पास जो है पाठ्य पुस्तक होगा, तो पाठ्य पुस्तक ही एक साधन है जो हम भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमा दिया है, बस और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है जो डीजल होता है वो भी प्राप्त होता है, मोम भी, ग्रीस भी, लेकिन यहाँ पे जो कोयला होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किसकी के कारण होता है? तो रतौंधी आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन ए है, ठीक है, एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है, और रतौंधी की, जो रतौंधी क्या होता है, एक तरह की बीमारी होती है जो हमें रात में ठीक से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें जो है रात में ना दिखाई देने को ही रतौंधी जो है प्रॉब्लम आती है, अगर डॉक्टर से हम चेकअप कराते हैं, तो ये कमी होती है विटामिन ए के कारण।
विटामिन बी से हमें बेरी बेरी की कमी होती है, सी से स्कर्वी होती है, डी से सूखा रोग या फिर जो है रिकेट्स होता है जो कि बच्चों में देखी जाती है, काफी वीकनेस वाली प्रॉब्लम होती है, हड्डियों से संबंधित होती है। तो अगर जो है ऐसा भी पूछ सकता है कि हड्डियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आपकी कौन सी जो है कमी है, तो विटामिन डी हो गया। तो यानी विटामिन ए से रतौंधी हो गया, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है एंड विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस शिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का कौशल है, तो गतिविधि आधारित सीखना। ठीक है, एनसीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होनी चाहिए, तो मातृभाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को घुमा फिरा के फिर वो पूछेगा आपसे एनसीएफ 2005 में। तो इतना आपको समझना चाहिए कि जो एनसीएफ 2005 की पॉलिसी थी इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विदेशी भाषा नहीं हो सकता, कठिन भाषा नहीं हो सकता, कोई भी भाषा नहीं हो सकता, मातृभाषा ही बच्चे की जो पहली भाषा होती है जो है वो मातृभाषा ही होती या फिर उसके क्षेत्र की भाषा होती, वही उसकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, तो जो है आपको एक चीज बता दें, इसका जो है थोड़ा सा जो है मुझे, तो इसका आंसर जो होगा वो 4 के साथ जाएगा, चौथे आंसर के साथ वैचारिक समझ, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो है 2020 वो वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहली चीज तो हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में ये डाल दिया इन्होंने वैचारिक समझ, दूसरा है कि शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए ऑप्शन में डाल करके। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था वो किस बात पर बल देती है, एक तो वैचारिक समझ पर बल देती है और दूसरा शैक्षिक परिणामों में सुधार जो है देने पर जोर देती है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सके और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर 5 साल की बच्ची बोली यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कार से नहीं खेलती हैं, यह वाक्य दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। और पिछले बार ये क्वेश्चन मैथ के ऊपर पूछा गया था कि लड़के जो है मैथ में या साइंस में काफी अच्छे होते हैं इसकी लड़कियों के तुलना में, और ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल गलत है, जेंडर रूढ़िवादिता के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के हमेशा मैथ में, या फिर जो है एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था बस इसी को घुमा देंगे, लेकिन आंसर जो जाएगा वो सिर्फ जेंडर रूढ़िवादिता के साथ जाएगा कि घुमा दिया था कि लड़कियां जो है लड़के रोते नहीं है, लड़कियां जो है हर बात पे रोती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा वो हमेशा जेंडर रूढ़िवादिता के साथ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बस समझ लीजिएगा, घुमा के देगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज, जो कि मैंने ईबीएस में कराया था आपको, और जो ईबीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया था, तो हो सकता है कि किसी और शिफ्ट में यही क्वेश्चन उठा के दे दें, तो एक बार माइंड में इसे रख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कन्नौज। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह के बारे में क्वेश्चन आया था, तो जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, ध्यान दीजिएगा कि बुध होता है, तो ऑप्शन 3 इसमें सही है, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन होता कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो ऑप्शन में अभी है नहीं, देखिए बृहस्पति, हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन उठा के दे दे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो बृहस्पति में लगाना है आपको, अगर छोटा ग्रह फिर से रिपीट करता है तो आपको बुध में लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक अध्यापक को अपनी क्लास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, भाषा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो ये जाएगा पढ़ने में अक्षमता यानी डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम हो गई, और अगर गणित संबंधी प्रॉब्लम हो, गणना में अक्षमता हो तो डिसकैल्कुलिया हो जाएगा, लिखने में जो है अक्षमता हो तो डिसग्राफिया हो जाएगा, प्रयोग या फिर अभ्यास में जो है अक्षमता हो जाएगी, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, देखो आपके शिफ्ट में क्या उठा के दे दे नहीं पता, अभी स्टार्टिंग इन्होंने डिसलेक्सिया से कर दिया है। ठीक है, हो सकता है अगले शिफ्ट में जो है यानी जो 29 को हमारा पेपर है उसमें जो है डिसग्राफिया के बारे में पूछ लिया, डिसकैल्कुलिया के बारे में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन तो आना ही है, इसको तो आपको आता ही होगा क्योंकि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में हर शिफ्ट में देखने को ये एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है कि ये आना ही आना है क्वेश्चन। नेक्स्ट था योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है, तो जो है किल पैट्रिक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज हम मिर्च के बिना अपने भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते, या हमारे देश में किस देश से आने वाले व्यापारी से लाए थे हमारे देश में, किस देश से? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराया था मैंने ईवीएस में। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन मैंने ईवीएस में कराया था। तो आप देख लीजिए कि मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वीडियो डाला है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पूरा डाला हुआ ईवीएस का, उससे ऊपर देखिए कहीं नहीं आया। ईवीएस में 10 से 15 नंबर उसी वीडियो से उठा के दे दिए। तो प्रीवियस जो है ईयर के क्वेश्चन देख करके बिल्कुल जाइएगा एक बार, ताकि बिल्कुल पेपर देने से पहले एक बार वीडियो देख लेंगे ना, तो माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? पंजाब। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो पंजाब। ठीक है, बाकी केंद्र शासित जो कितने होते हैं, तो 7 होते हैं, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, दिल्ली भी है। ठीक है, और बाकी जो पंजाब होता है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए, अभी जैसे मुझसे मिस्टेक हुआ पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी में, ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही उसका जो है आंसर डिसाइड करिएगा कि जो है इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन में है इतना देख लिया ना, तो समझ लीजिए कि वही हमारा क्वेश्चन का जो नंबर है वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से आपको देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव है निगेटिव है, तो उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुडुख किसके लोगों की स्थानीय भाषा है? तो झारखंड लोगों की स्थानीय भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर हमारा एनसी अब 2005 पर बल देता है, किस पे बल देता है? स्वयं करके सीखने पर बल देता है, रटने की प्रक्रिया पर कभी बल नहीं देगा, समस्या हल करने पर, शिक्षित केंद्रीय शिक्षा पर नहीं। जबकि स्वयं करके जब बच्चा सीखेगा, आप देखिए अगर जो है उसमें ये होता है ना कि जब हम कोई कार्य स्वयं करते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे को फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि खेल खेल में अगर वो चीजों को करेगा, खुद से करेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा, हमसे बेटर कितना हम उसको समझा सकते हैं। तो बच्चे को कभी रटा नहीं सकता है कोई। ठीक है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो ये जो है मकड़ी, जो कि अभी ऊपर ही आया था, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? बाकी दीमक, चींटी, मधुमक्खी, ये सब एक लाइन में जाती हैं। देखिए इनका सबका कार्य बटा होता है कि कौन अंडे देगा, कौन जो है खाना की व्यवस्था करेगा, कौन जो है मतलब हर चीज का इनका जो है इसमें मजदूर अलग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग बटी होती है, जबकि जो मकड़ी और भृंग यानी झींगुर होते हैं सामाजिक कीट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि 28 में आए थे। सीडीपी की बात अगर हम कर लेते हैं, तो सीडीपी में जो है पियाजे, कोहलबर हो गया, वादस्की हो गया, तो ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। एनसीएफ का जो है वीडियो मैं एक पूरा बना दूंगी, जिसमें एनसीएफ के सारे क्वेश्चन में कवर कर दूंगी। तो आपको एनसीएफ अच्छे से पढ़ना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना है, मातृभाषा के ऊपर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आए थे, तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो आपके जो भी होंगे सब्जेक्ट होंगे आपके, इंग्लिश और हिंदी होगा जो भी है, तो ये जो 30 नंबर है ये पूरे तरीके से फिक्स है आपके। तो पैराग्राफ को बस थोड़ा सा आपको ये करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है ही आंसर लगाना है, उस पैराग्राफ में ढूंढ ढूंढ के आपको आंसर लगाना है, उसके बाद आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बाकी अगर बात करें इन सबकी, तो ईवीएस के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, जो पिछले बार के सारे क्वेश्चन है, तो 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, उठा के वही क्वेश्चन दे रहा है, बस घुमा फिरा के दे रहा है। ठीक है, तो जो है ऑल द बेस्ट जिनको 29 का जिनका पेपर है, आई होप उनका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके बाहर कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।